आज नगर निगम से पूरे 40 वार्डों में छोटी हाथ मशीन, प्रत्येक वार्ड में एक एक हाथ मशीन रहेंगी और चार हमारे जो सैनिटाइजर के जो टैंकर हैं उनको आज सुबह यहाँ से रवाना करा और प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक दिन छोटे हाथ मशीनों से भी सैनिटाइजेशन होगा। बड़े हमारे जो टैंकर हैं उनसे भी लगातार क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन किया जाएगा, क्योंकि इस समय लोगों की जो आस है, जो उम्मीद है, उस पर पूरी तरह से हमारा ये प्रयास है कि हम अपना 100% दें और किसी भी तरह से लोगों में आक्रोश न बने, लोग निराश न हों, हताश न हों। जिस प्रकार की सुविधा नगर निगम उपलब्ध करा सकता है उसमें नगर निगम ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, पूरी तन्मयता से नगर निगम लगा हुआ है। हमारे कर्मचारी उसमें पूरी तरह से, पर्यावरण मित्र हमारे स्वच्छता प्रहरी पूरी तरह से लगे हुए हैं सुबह से शाम तक। और मैं आज जब सभी को यहाँ से रवाना करा तो उनसे एक निवेदन भी करा कि जब भी आप अपने वार्डों में जा रहे हैं तो वार्डों में आप वार्ड के पार्षद को अवश्य सूचित करें, वार्ड के पार्षद को विश्वास में लेके, उनको साथ में लेके, क्योंकि पार्षद को ज़्यादा मालूम है कि कौन सी गलियां हमारी ज़्यादा संक्रमित हो रखी हैं, वहाँ पे वो बहुत अच्छी तरह से सैनिटाइजेशन करवा सकते हैं। तो सभी कर्मचारियों को, सभी स्वच्छता परिहारियों को सख्त निर्देशित कर दिया है कि वार्ड मेंबरों को अपने साथ में, पार्षदों को अपने साथ में रखें और जनता को इस समय पैनिक होने से ज़्यादा हम बचा सकते हैं, किस तरह से उनका मनोबल हम बढ़ा सकते हैं, उसके लिए पूरी तरह से हम मैदान में डटे हुए हैं। मेरा पुनः आप सभी से यही आग्रह रहेगा कि इस वैश्विक महामारी से, संकट की इस घड़ी में आप अपना धैर्य न खोएं, आप अपनी हिम्मत न खोएं, धैर्य बना के रखें। संकट बड़ा है, ये हमारे ताकत से, हमारी हिम्मत से ज़रूर हम इसको हरा पाएंगे। नगर निगम पूरी तरह से आपकी सेवा में तत्पर है। इससे आगे, इससे ज़्यादा जो भी करना होगा, लगातार मैं अस्पतालों में जाके व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रही हूँ, वहाँ पे पूरा फीडबैक ले रही हूँ। हमारे मरीज ठीक भी बहुत जल्दी हो रहे हैं और पूरे व्यवस्थाओं का लगातार हम निरीक्षण कर रहे हैं कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी क्या सुविधाएँ इस समय हम संकट की घड़ी में दे सकते हैं, यही हमारा प्रयास है। आप मास्क अवश्य लगाएँ, अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें, यही मेरा आप सभी से विनम्रतापूर्वक आग्रह रहेगा।